Welcome back from the week, guys. You are watching Girls Republic, and today we're talking about हमारा जो टॉपिक है वो ये है. अगर आपको एक रिमोट ऐसा मिल जाए जिससे आप रिवाइंड कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड, स्टॉप और स्टार्ट टाइम. अच्छा, स्टार्ट टाइम मतलब कि स्टार्ट ओवर. कोई आप ऐसा अपनी लाइफ में कोई आपका होता है ना कि हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी चैप्टर्स होते हैं. हमारी लाइफ में भी चैप्टर्स हैं. हम जब चाइल्डहुड से गुजर रहे होते हैं वो एक चैप्टर होता है हमारा. पूरा एक तो नहीं होता, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं. क्योंकि हमारा जो चाइल्डहुड होता है उसमें जो है, जब आप वन यू बॉर्न राइट, तो उसमें जो मंथ्स होते हैं, फिर ईयर्स आते हैं, फिर वन यू आर टीनेजर, तो वो एक अलग टीनेजर का तो एक अलग ही चैप्टर होता है हमारी लाइफ में. और जिस तरह एडल्टहुड होता है वो भी एक डिफरेंट न्यू कॉन चैप्टर दैट यू जस्ट यू नो. इस तरह के अगर आपको अगर ऐसा रिमोट कोई मिल जाए और आप रिवाइंड या फॉरवर्ड कर सको तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे. कॉल कर सकते हैं, कॉल करके नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है. कॉल करें और हमें बताएं कि व्हाट वुड यू डू कि अगर ऐसा आपको रिमोट अगर मिल जाए. वैसे है तो नहीं, सिर्फ टीवी का रिमोट होता है, बट यू नो समटाइम्स आपको अच्छा लगता है कि नॉन एग्जिस्टेंट चीजों की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक यूनिकॉर्न्स गाइस, दे डोंट एग्जिस्ट. आजकल जो मैं यूनिकॉर्न्स के पीछे बहुत पड़ी हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है. आई एम लाइक के अब वैसी चीजें होती है ना जो एग्जिस्ट नहीं करती है ना. जस्ट थिंक टू मायसेल्फ के हाँ, अगर नारनिया, जस्ट द नारनिया दैट वाज ए मूवी एंड आई यूज्ड टू लाइक आई वांट टू गो टू नारनिया मैन बिकॉज़ एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर देयर. बट एनीवेज, हमारे पास कॉल है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम मरियम. नहीं, हफ्सा कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. कैसा दिन गुजर रहा है? दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है. एग्जाम हो रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त ही गुजरता है पूरा दिन. अच्छा, अभी कितने रह गए, कितने पेपर्स हो गए, कितने रहते हैं? अभी तो स्टार्ट हुए हैं और नेक्स्ट मंथ तक चलेंगे, 27 तक. चलो सही, का भी मेहनत करनी पड़ेगी हफ्सा को. अच्छा सही है. कल का हमारा वैसे आपको टॉपिक पता है ना कि हम फजूल में बैठ के जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप किस तरह टाइम वेस्ट करते हैं. अब हफ्सा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे. हफ्सा ये बताओ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा रिमोट आ जाए जिससे आप रिवाइंड कर सको, फास्ट फॉरवर्ड या फिर पॉज, तो आप ये क्या हो गया, ये तो कॉल ही ड्रॉप हो गई. ओके हफ्सा, कॉल्स बिन ड्रॉप. लेकिन अगर आपको भी हमसे बात करनी है, यू कैन टॉक टू अस इफ यू वांट टू कॉल. ऑब्वियसली कॉल करके आप बात कर सकते हैं. कल भी मुझसे कोई पूछा था कि वो दे वर आस्किंग फॉर माय नंबर गाइस. अब मैं अपना नंबर नहीं दे सकती. अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड आई वुड बी यू नो आई वुड ग्लैडली टॉक टू यू गाइस. क्योंकि ऑब्वियसली आई एम सिटिंग हियर फॉर यू गाइस, फॉर द ऑडियंस एंड टू लाइक एंटरटेन यू पीपल एंड जस्ट टॉक विद यू गाइस मोस्टली. बिकॉज अब जिस टाइम भी आपको हमारा फेसबुक पेज उस पर भी आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई कांट रियली गिव माय नंबर आउट गाइस, इट्स नॉट गोना बी फेयर टू अदर पीपल एंड देन दे आर गोना बी लाइक ओह शी गिव हर नंबर टू दिस फैन एंड नाउ शी इज नॉट गिविंग इट टू अस एज वेल, सो दैट्स गोना बी नॉट सो फेयर. सो आई वुड जस्ट यू नो जस्ट कीप इट दैट वे. बट एनीवेज, इस तरह के होता है हमें लाइफ में जो है ऐसे ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं. वी जस्ट थिंक टू अवरसेल्व्स के भाई इसको हम ना वी जस्ट वांट टू लाइक वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर बिकॉज आई एम मोर ऑफ दैट पर्सन, मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई जस्ट थिंक टू मायसेल्फ आई जस्ट वांट know what's going to happen like in upcoming 5 years or 6 years because I just want to know how everything's going to turn out to be like. But anyways guys, I'm going to be going for a break. Leave your feedback on my Facebook page. I'm going to be right back from the short break. Welcome back to the break guys, you are watching Girls Republic. Aaj hum baat kar rahe hain, if you had that kind of remote jo ke fast forward kar de, rewind, pause, to aap kya karenge us remote ke sath? To aap apni feedback jo mai page pe drop kar sakte hain, which I'm going to be reading it out. Agar topic related then I'm going to read out your message guys. Agar topic related nahi hai, it's off topic, then I'm not going to be reading it out. But I appreciate all the comments you guys leave me, all the feedback and stuff. So yes, obviously we do need feedback guys because it's not like that you know okay, feedback nahi aayegi to hume kaise pata hoga ki hame show kaise karna chahiye aap logon ke liye. Anyways, hamare paas call hai. Hello, assalam alaikum. Wa alaikum assalam. Kaun baat kar raha hai? Fakia. Kaun baat kar rahi hai? Fakia. Fakia, kahan se call kiya aapne? Karachi se. Acha, pehli baar kiya aapne call? Ji ji. Acha, ye bataye Fakia, aapke naam ka matlab kya hai? मेरा नाम का जन्नत का फल. नाइस. अच्छा ये बताओ कि आप क्या करती हो फाकिया? मैं पढ़ती हूँ. कहाँ, स्कूल, कौन सा ग्रेड पढ़ रही हो? नाइन्थ क्लास में पढ़. नाइन्थ में हो. अच्छा, आजकल एग्जाम्स आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट टर्म हुआ है. अच्छा, सेकंड टर्म. सही है, ठीक है. क्या प्लान है, क्या फ्यूचर में आपको बनना है? मुझे आई स्पेशलिस्ट बनना है. आई स्पेशलिस्ट बनना है. अच्छा, ये क्यों? ये मेरे मामा की ख्वाहिश है. तो अच्छा सही, तो आपकी मॉम की ख्वाहिश है तो आप उनको पूरा करेंगे. अच्छा ये बताओ, हमारा जो टॉपिक है
टॉपिक ये है कि रिमोट हमारे पास अगर एक ऐसा हो जिससे हम फास्ट फॉरवर्ड करें, रिवाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? मैं अपने बचपन में चली जाऊंगी. बचपन में चली जाएंगे? अभी भी तो आपका बचपन ही चल रहा है. चाइल्डहुड तो अभी भी चल रहा है. लड़कपन चल रहा है ना. क्या चल रहा है? ये तो हमारी टीनेज चल रही है ना. हाँ, लेकिन ये भी तो बचपन ही होता है ना. अभी जब आप बड़ी हो जाओगी, जब 25 में जाओगी, फिर बोलोगी हाँ टीनेज भी हो जाए तो वो भी यू नो कि क्योंकि होता है कि आपको बचपन, आपको फिर आप मिस करते हो अपना. क्यों वैसे, क्यों बचपन छोटा अभी और क्यों आपको होना है? कुछ होते हैं वो तो कहते हैं हम बड़े हो जाए. नहीं, मतलब बचपन में बड़े होने का सही बोला है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है. जो टीनेजर्स होते हैं वो कहते हैं हमें छोटा होना है, और जिस तरह 20s में भी लोग होते हैं हमें कहते हैं काश हम अभी छोटे होते, हम बड़े नहीं होते. तो कभी होता है ना कि आप जो कुछ मांगते हो तो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए. हर आई थिंक मेरा तो अपनी ये थी हुई है कि अपनी हर एज इंजॉय करनी चाहिए. आपके आपकी क्या थिंकिंग है? मैं भी यही, मतलब बचपन को बचपन की तरह से फिर बड़े होकर बड़े, मतलब जैसे आप हर चीज इंजॉय करना ही चाहिए. Exactly. मतलब लेकिन हम लोग यही करते रहते हैं कि जब छोटे होते हैं तो बड़े होना है, बड़े होते हैं छोटे होना है, तो यही करते हैं. हाँ सही कह रही फाके. बट थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय. अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ आ जाए रिमोट जिसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे और कौन से आप अपने फ्यूचर में जाएंगे या पास्ट में जाएंगे. आई एम रिसीविंग मैसेजेस गाइस जो कि मैं पढ़ूंगी. अच्छा जी, मुझे मैसेज आ रहे हैं. अगर टॉपिक के रिलेटेड प्लीज़ आप करें तो मैं आपका आई एम गोना हैप्पीली रीड आउट योर मैसेज गाइस. फॉर नाउ आई एम गोना बी गोइंग फॉर अ ब्रेक. डू नॉट गेट बैक, यू वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, यू आर वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. और आज हम बात कर रहे हैं अगर आपके पास ऐसा रिमोट आ जाए जिससे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सको और जो है स्टॉप एंड स्टार्ट टाइम कर सको, तो आप उसके साथ वैसे क्या करोगे बेसिकली. तो आपको अगर हमसे बात करनी है आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा. एंड बिग गाइस, सो यू कैन जस्ट लीव अ फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज एज वेल, दैट इज बेक्स खान. इफ यू जस्ट टाइप ऑन इट, इट्स गोना बी ऑब्वियसली देयर इज गोना बी ओनली वन पेज आई थिंक, बट देयर आर अदर पेजेस एज वेल. ऑफिशियल पेज तो आपको पता है जिसके ज़्यादा लाइक्स होंगे वो ऑफिशियल होएगा. बट एनी वेज, आप लोगों की फीडबैक जो आ रही है, आई थिंक दिस इज लास्ट लिंक, तो मैं आप लोगों की फीडबैक आई एम गोना चेक अगर आप लोगों ने टॉपिक रिलेटेड किया, सो आई एम गोना रीड दैट आउट. ओके राइट. अच्छा, मुशर्रफ बरहमानी कह रहे हैं अगर ये रिमोट होता तो मैं खुशी वाली जगह को पॉज करता. अच्छा हाँ, ये तो वैसे होता है कि कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट चल रहा होता है, एंड यू जस्ट थिंक आई विश वी कुड जस्ट यू नो जस्ट फ्रीज टाइम एंड जस्ट बेसिकली जस्ट लिव इन दैट मोमेंट फॉर अ व्हाइल. यू नो इफ यू गाइस हैव नोटिस लाइक यू हैविंग अ रियली गुड टाइम विद योर मेट्स, सो इट कुड बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सिबलिंग्स एंड व्हाटसोएवर. So you just think to yourself, oh my god, I wish we could just freeze time and just live in that moment for a little while, because sometimes when you're having a really good time, you're having a blast and you're actually just having a productive time basically and quality time with your mates and stuff. So you just think to yourself, why is time flying by? Because whenever you're having a good time, you guys must have noticed, because I've noticed that myself, because like if I'm happy, right, and I'm enjoying my night time, you can say, or daytime, whatsoever, and I'm just like, why is time flying? Because when you're in a happy moment and you just think, okay, time is actually flying, because that just like, you get yourself busy and you just, you know, you're actually enjoying that very moment you're in. So obviously you think that time is flying, but it's not. It's just in our mind. It's all in our mind, guys, because that's what we think it basically happens, and what we don't think it never happens, because do you know what they say? Mind depends, like your mind is, you are what your mind thinks, is something like that, the quote. I'm not really good with my quotes and stuff, because I know my sister is, she's like amazing at it. Whenever she whenever me and her we are chatting, right, she comes up with them such hard quotes, and I'm just like, dude, where did that come from and stuff. But you know how it's like, you just जिसने लास्ट नाइट आई स्लेप्ट रियली लेट गाइस. आप लोग सोचते होंगे टाइम पे सोचती सोती है, लेकिन मेरा कल तो 4-5 बज गए थे, बिकॉज मी एंड माय सिस्टर वी वर हैविंग अ लाफ, वी वर मेकिंग जोक्स एंड स्टफ. ये होता है ना कि आप जब इस तरह के टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो और हमने तो बहुत ही अरसे बाद लग रहा था कल रात, आज सुबह टाइम स्पेंड किया है, बिकॉज आई स्लेप्ट अराउंड 5ish आई थिंक फजर हुई थी, उस वक्त जाके फिर आई डोज्ड, आई वाज लाइक ड्यूड आई वांट टू स्लीप, आई जस्ट गेट आउट द रूम, आई रियली वांट टू स्लीप. सो दैट रियली हैपेंस यू नो अगर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो,
तो टाइम लगता है कि भाग रहा होता है. और इसके साथ साथ आप लोग अपनी फीडबैक भी मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं. और जो है मरियम इजरीस का मैसेज आया, योर शो इज टू मच नॉइस एंड योर ड्रेस इज लुकिंग गुड, थैंक यू मरियम. और ये भी आई वुड रियली लाइक टू मेंशन बिफोर वी वांट ऑफ द शो, I've been getting a lot of messages recently, तो मैं यहाँ पे explain कर दूँ आप लोग. explanations वैसे मुझे देनी तो चाहिए नहीं है, लेकिन as you guys know कि most of all people, like कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारा show देख रहे हैं वो मुझे पहले से जानते हैं. मेरा first day जब यहाँ show हुआ था तो बहुत ही अजीब सा मेरा first day experience, जो obviously हर किसी का first day experience बहुत different होता है. Quite in short, basically, तो मेरे साथ अभी मुझे इतने कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं. अब आपको पता है क्रिटिसाइज लोग करते हैं, यू जस्ट गॉट लाइक टेक इट, यू नो, लाइक यू जस्ट गॉट टेक इट ईजी, लाइक यू डोंट नीड टू लाइक इफेक्ट यू इन एनी वे, बट आई एम नॉट लेटिंग इट इफेक्ट माय सेल्फ, बिकॉज लाइक क्रिटिसाइज होता है खैर. But as you guys know, कि मैं जो हूँ, I'm born in Pakistan, guys. I'm not born in UK. So if you guys think कि वहाँ पे मैं born हुई, I'm not from UK. I'm born in Pakistan. So obviously मैं पाकिस्तानी हूँ, I'm not UK born. लेकिन आप लोग जिस तरह मुझे बोल रहे हैं कि आप कहाँ से, आपका एक्सेंट ये, वो तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, मैं आपको बता दूँ कि भाई मेरा बैकग्राउंड ऑब्वियसली I'm pure Asian, I'm Pakistani, guys. So आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहाँ का जो है मैं पूरा कॉफी एंड ऑल दैट, बिकॉज़ बेसिकली आई हैव लिव्ड इन यूके. अब मेरा चाइल्डहुड जो है यूके में रहा है, और उसमें जो है आप जहाँ देखते हैं, जिस तरह होता है ना कि आप अपना चाइल्डहुड जहाँ पे, अब वैसे ये वैसी एज होती है, आप पूरा अडेप्ट कर लेते हो, आपकी जिस तरह सराउंडिंग है आप वैसी अपने आप को जो है, आप जिस तरह बाहर निकलते हो, कल्चर जैसा होता है, लोग ऐसे होते हैं, आप वहीं का अडेप्ट कर लेते हो. तो माई चाइल्डहुड वॉज इन यूके का, सो मैंने वहाँ इतना ज़्यादा टाइम रही हूँ. मैं वहाँ बॉर्न नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान बॉर्न हूँ. सो ऑब्वियसली आई एम हियर, I'm back here, but you never know, मैं वापस कभी भी चली जाऊँ. But anyways, अगर जाऊँगी तो मेरी टीम मुझे बोली क्यों जा रही हूँ, शो कौन करेगा, तो मैं नहीं जा रही. I'm still here, guys. अपनी फीडबैक मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं, which is Becks Khan. कल भी मैं लाइव आऊँगी, tomorrow's Wednesday. So you guys better tune in tomorrow as well. That is 4 to 5 p.m. अपनी फीडबैक कोई भी हमारे पेजेस पर ड्रॉप कर सकते हैं, ARY Music के पेज पर या मेरे पेज पर. For now, I'm going to sign off, guys. You take care of yourself and I'll see you later. Bye-bye.